टीकमगढ़ शहर में रविवार को गंगोई दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। गंगोई गुप्ता वेश्य समाज के लोगों ने नगर भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर समाज के लोगों ने शहर में शोभा यात्रा भी निकाली। रास्ते में जनप्रतिनिधियों और समाज के लोगों ने शोभा यात्रा पर फूल वर्षा कर स्वागत किया। गहोई वेश्य समाज के अध्यक्ष आरडी गुप्ता ने बताया कि आज वेश्य समाज की ओर से गहोई दिवस धूमधाम से मनाया गया है। सुबह से समाज के लोग नगर भवन में एकत्रित हुए। पूजा अर्चना के कार्यक्रम के बाद गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में महिलाएं पीले परिधान पहने हुए एवं ध्वज लिए हुए निकली, जिसमें शोभा यात्रा में बैंड बाजे डीजे एवं घोड़ी के साथ एवं बग्गी पर राधा कृष्ण के प्रतिरूप एवं राष्ट्रीय कवि श्री मैथिली शरण गुप्त के स्वरूप बालक बैठे हुए थे, जिनका विभिन्न चौराहों पर अन्य समाज द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। लिधोरा से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। सचिन जी ने जो बात हमसे कंप्लेंट की थी उसका हम उनको इसका समाधान उनका कर देते। बातचीत अगर आपस में करते हैं तो कर्म टूटता है। इसे ज्यादा समय नहीं लूंगा खंडा जी के महाप का। हमारे बीच में पुरुषों के बीच में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहता है हमेशा अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है। वो कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता है और साथ में व्यापार भी करता है तो ईमानदारी के साथ करता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे समाज को जो हमारे यूथ हैं उनको आगे आना चाहिए और सभी अच्छी पर, जो भी हमारी सरकारी जॉब है सभी पदों पर आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।